अडानी का सलाखों के पीछे जाना तय है और क्या अडानी के खिलाफ अब जेपीसी जांच होकर ही रहेगी। अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच को लेकर विपक्षी पार्टियां काफी समय से हो हल्ला कर रही हैं। यही वजह है सड़क से संसद तक इस मुद्दे को उठाया गया। सड़क से संसद तक न सिर्फ अडानी को घेरा गया बल्कि मोदी सरकार भी इसमें संलिप्त है, उस पर भी बात की गई। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अडानी के खिलाफ चुनाव से पहले जेपीसी जांच हो सकती है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच नहीं हुई तो वो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे और पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देंगे। दरअसल विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि मोदी सरकार अडानी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि गौतम अडानी भी चुप्पी साधे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो एक वक्त में कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, जो काला धन वापस लाने की बात करते थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। जैसे पुलवामा हमले का सच निकलकर सामने आया है, ठीक उसी तरीके से देखा जा रहा है कि अडानी मुद्दे में मोदी सरकार का जो पैसा लगाया और अडानी भ्रष्टाचार में मोदी सरकार का बड़ा हाथ है। ऐसे में ये देखा गया कि जिस तरीके से देश की जनता भी इस बात को भलीभांति समझ रही है कि जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता बहुत कुछ समझ रही थी, जो ये मान रही थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो दरअसल जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो गौतम अडानी के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि आज के हालात कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि जनता का प्रेशर भी लगातार सरकार पर बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से जनता का प्रेशर सरकार पर बढ़ रहा है और मौजूदा समय के हालात ये जाहिर तौर पर बयां कर रहे हैं कि अब तो अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच होना तय है और अब मोदी भी अडानी को नहीं बचा पाएंगे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।